गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पांचवा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चला? तो भारत का पांचवा वंदे भारत एक्सप्रेस आइए निपटा लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ही, तो भारत का जो पांचवा वंदे भारत एक्सप्रेस ये कहाँ से कहाँ चला है? तो याद रखिएगा मैसूर टू चेन्नई में चला है। मैसूर टू कहाँ जाएगा भैया? ये चेन्नई जाएगा। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने किया है। कहाँ से? कर्नाटक से। पीएम मोदी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ से किया है भैया? कर्नाटक से किया है। अभी आपको पता होगा कर्नाटक में इन्होंने क्या बनाया है, अभी हाल ही में एक मूर्ति बना, एक मूर्ति का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। उस मूर्ति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में आपको हमने पढ़ाया था। आइए और बात करते हैं। तो इसके पहले चार चली थी, पहला कौन चला था भैया? दिल्ली टू बनारस। दिल्ली टू कहाँ चला था भैया? हाँ बनारस चला था। दिल्ली टू बनारस चला था। बनारस कैसे लिख जाला हो, बनारसी, बनारस चला था, ये पहला था। दूसरा पूछ ले कहाँ से कहाँ चला था? दिल्ली टू, अरे नई दिल्ली है, नई दिल्ली टू कटरा चला था। तीसरा कहाँ से चला था भैया? गांधीनगर टू मुंबई चला था। चौथा पूछ ले कहाँ चला था भैया? ये नई दिल्ली से कहाँ चला था? ऊना तक चला था। ऊना कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश में। तो ये चार यहाँ पे चल चुका है और एक पहले चल, एक अभी चला है। तो ये पांच वंदे भारत एक्सप्रेस चला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वंदे भारत का पुराना नाम पूछ ले तो याद रखिएगा T18 वंदे भारत का पुराना नाम था। कहाँ पर वंदे भारत बन रहा है तो याद रखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। कहाँ पे बन रहे भाई? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? चेन्नई में बन रही है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी अगर बात करें, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने लक्ष्य बनाया है कि 2023 के लास्ट तक हम 75 T18 जो है बना देंगे, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। आइए और बात करते हैं, भारत की पहली निजी ट्रेन की बात करें। भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ये पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। भारत की पहली निजी ट्रेन जो है कोयम्बटूर से कहाँ चली है भैया? शिरडी तक। कोयम्बटूर टू शिरडी तक चली है। कोयम्बटूर कहाँ भैया? तमिलनाडु से लेकर के शिरडी कहाँ भैया? महाराष्ट्र में चली है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस योजना के तहत चली है तो याद रखिएगा भारत गौरव योजना के तहत। पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना है किस योजना के तहत चली है, तो भारत गौरव योजना के तहत ये ट्रेन चली है। अगर आपसे पूछे रेलवे का जनक कौन है भारत में, तो रेलवे का जनक कौन है भैया? लॉर्ड डलहौजी कौन है भैया? ये रेलवे के जनक हैं। अगर आपसे ये पूछ ले रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और क्या है? CEO है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट रेल मंत्री कौन थे भैया? तो फर्स्ट रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई साहब, ये पहले रेल मंत्री थे। अगर आपसे ये पूछ ले वर्तमान में कौन है भैया, तो याद रखिएगा आपके अश्विनी वैष्णव हैं। कवच प्रणाली भी इन्होंने शुरू किया है, जिससे जो एक पे एक ही ट्रैक पे अगर दो ट्रेन आए तो लड़ने से बच सकें, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आज के हम, अगर आपसे पूछे कितने जोन हैं ट्रेन के, रेलवे जोन भारत में, तो 18 रेलवे जोन हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए दूसरे क्वेश्चन की आज की हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निपटा दिया जाए इनको भी, एक मिनट जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022। आइए इनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 कब से कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर से लेकर के ये चला है 13 नवंबर तक, ये लाइन हो गई आपके सामने। अगर आपसे पूछ ले कि ये लास्ट मैच माने फाइनल मैच कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा जो फाइनल हुआ है ये हुआ है मेलबर्न
क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे भैया? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब इसकी मेजबानी कौन किया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश इसकी क्या की है? मेजबानी की है। किसके किसके बीच मैच फाइनल हुआ भैया? तो याद रखिएगा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को क्या किया है? हरा दिया है। कितने विकेट से हराया भैया? 5 विकेट से। कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, आप जवाब दे के आना है। आपके पाकिस्तान ने कितना बनाया था? 137 रन बनाया था 8 विकेट के नुकसान पर, जिसको इन्होंने ये 5-6 गेंद शेष रहते 138 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना लिया। इंग्लैंड जो विजेता टीम है इसको कितने रुपए मिले हैं? तो 12 करोड़ 88 लाख रुपए इसे मिले हैं। याद रखिएगा उप विजेता को जस्ट इसका आधा मिलेगा, 6 करोड़ 88 लाख इनको मिला है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब मैन ऑफ फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे, मैन ऑफ द मैच कौन रहे फाइनल मैच के, तो सैम करन रहे। सैम करन मैन ऑफ द मैच रहे। किस टीम के हैं भाई साहब ये? तो इंग्लैंड टीम के रहे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चर्चा करते हैं। अगर पूछ ले सर्वाधिक रन किसने बनाया था मैच में, सर्वाधिक रन किसने बनाया है? तो याद रखिएगा विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाया है। कितना रन बनाया भैया? 296 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? याद रखिएगा तो सर्वाधिक विकेट अगर पूछ ले तो ये लिया है किसने? वानिडू हसरंगा ने। वानिडू हसरंगा ने सर्वाधिक क्या लिया है? विकेट लिया है। कितना विकेट? 15 विकेट लिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैन ऑफ द मैच तो बता दिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मोटी मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो ये भी कौन रहे? सैम करन रहे। ये टोटल पूरे मैच में इन्होंने कितना विकेट लिया है? 13 विकेट लिया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, तो याद रखिएगा ये संस्करण जो था 8वां संस्करण क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। तो अगर आपसे पूछे पहली बार कौन जीता था, पहली बार शुरुआत कब हुई थी? 2007 में, और विजेता कौन था? भारत था। 2009 में उसके बाद हुआ, विजेता कौन रहा? पाकिस्तान रहा। 2010 में फिर हुआ, इंग्लैंड क्या रहा? विजेता रहा। तीसरे उसके बाद 2012 में कौन सा रहा? वेस्टइंडीज विजेता रहा। उसके बाद 2014 में कौन रहा? श्रीलंका विजेता रहा। श्रीलंका क्या रहा? विजेता रहा। और 2016 में फिर वेस्टइंडीज विजेता रहा। 2021 में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और 2022 में आपको बता ही दिए इंग्लैंड विजेता रहा। तो इंग्लैंड 2 बार विजेता, ऑस्ट्रेलिया भी कितनी बार विजेता रहा? 2 बार। इंग्लैंड और इंग्लैंड जो है ये 50 ओवर का भी जो आपका ओडीआई मैच होता है इसमें भी चैंपियन है, और जो 20 ओवर का जो मैच होता है T20 इसमें भी क्या है? चैंपियन है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे और कुछ बात करें, जैसे कुल कितनी टीम भाग ली थी इसमें, तो टोटल याद रखिएगा 16 टीम भाग ली थी। कुल कितने मैच खेले गए? तो 45 मैच टोटल क्या किए गए इसमें? खेले गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। 2024 का कहाँ पे होगा? हर 2 साल पे होता है, तो 2024 का कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज ये दोनों देशों में 2024 का होगा। ये मैच कौन आयोजित कराती है? तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको आयोजित करवाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया? दुबई में। जिसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले अध्यक्ष अभी हाल ही में बदले गए थे, मैंने बात चल रही थी लेकिन बदले नहीं गए, दोबारा इनको 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कौन है भैया? ग्रेग बर्केले है। ग्रेग बर्केले वर्तमान में क्या अध्यक्ष है? कहां के हैं ये भी पूछा जाता है, न्यूजीलैंड के हैं। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो जोफ एलार्डिस हैं। कौन है भैया? जोफ एलार्डिस हैं। ये कहां के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, जोफ एलार्डिस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा आज का 3रा क्वेश्चन। आइए आज के हम 4थे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 4था क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप
चैंपियनशिप क्या हुआ है, संपन्न हुआ है 2022, कहाँ पे हुआ है, इन सभी की चर्चा आइए निपटा लेते हैं। तो ये हुआ है अम्मान जार्डन में। कहाँ पे हुआ भैया? अम्मान जार्डन में हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं, तो इसमें कुल भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 12 पदक इसमें भारत ने जीता है, जिसमें से 4 क्या है, गोल्ड मेडल है, 2 क्या है, सिल्वर मेडल है, और आपका बाकी बचा 6 क्या है, ब्रांज मेडल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 4 जो गोल्ड मेडल है, आइए उनकी चर्चा निपटा देते हैं। तो सबसे पहले परवीन हुड्डा, परवीन हुड्डा ने क्या किया है, जीता है किस श्रेणी में, 63 किलो श्रेणी में। दूसरी बात करें, लवलीना बोरगोहेन जीती हैं, लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीती हैं। तीसरा बात करें, स्वीटी बूरा भी जीती हैं, किस श्रेणी में, 81 किलो श्रेणी में जीती हैं। और चौथा बात कर लेते हैं, अल्फिया पठान भी जीती हैं, 81 प्लस श्रेणी में जीती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 4 क्या हो गया, गोल्ड मेडल हो गया, 2 रजत पदक जीता है, कौन कौन, तो एक शिव थापा जीते हैं भाई 63 किलो वर्ग में, और एक मीनाक्षी जी जीती हैं ये 52 किलोग्राम वर्ग में। अगर ये आप 6 पता है, तो बाकी जो आएगा वो 6 इसमें हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की। आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आसियान में एक नया देश शामिल हुआ है, तो उनको भी लगे हाथ हम लोग निपटा लेते हैं। तो अगर बात करें आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, आसियान में 11वां सदस्य कौन बना, तो आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है, तो याद रखिएगा तिमोर लेस्ते बना है। कौन बना भैया? तिमोर लेस्ते बना है आसियान में 11वां सदस्य। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967। आसियान का फुल फॉर्म बहुत बार आता है, आइए निपटा लेते हैं। तो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, SOUTS, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कुल कितने देश सदस्य हो गए, अब हो गए 11 देश इसके क्या हो गए, सदस्य हो गए। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है, तो याद रखिएगा जकार्ता, और जकार्ता कहाँ है भैया, इंडोनेशिया में इसका क्या है हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना है। ये नया देश है, अभी हाल ही में 2022 में स्वतंत्र हुआ है। तो तिमोर लेस्ते, जो तिमोर लेस्ते है, इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, दिल्ली है। अगर आपसे इसकी मुद्रा पूछ लिया जाए, तो याद रखिए इसकी मुद्रा डॉलर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में आपको पता होगा, लेटेस्ट, जैसे अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, किसके ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखिएगा जैसे स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भैया नीरज चोपड़ा। एम्बेसडर बने हैं कौन, नीरज चोपड़ा बने हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जो है, ये किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। आपको पता होगा भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस भैया 7 अगस्त को मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हाल ही में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बदले गए हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं भैया, सौरभ गांगुली बने हैं। के बना लो, सौरभ गांगुली बने हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। और बात कर लेते हैं यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सद्भावना राजदूत, तो याद रखिएगा वैनेसा नकाटे बनी है क्या, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर। बंधन बैंक भी हो गया, ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कार्तिक आर्यन बने हैं। कौन भैया,
कार्तिक आर्यन बने हैं। और बात करें अन एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये बने हैं काहे काना हो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या बने हैं, अन एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कोविड-19 के जो टीकाकरण है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कोविड-19 जो टीका चल रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद बने हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये मनिका बत्रा बनी है। कौन भैया, मनिका बत्रा बनी है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। और बात कर लेते हैं खादी पेंट, हाँ जी खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये क्या बने हैं आपके खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भैया ये बने हैं ऋषभ पंत, जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी आपको क्या करना है याद रखना है। चुनाव आयोग के आइकन कौन बने हैं, चुनाव आयोग के आइकन कौन बन गए, तो याद रखिएगा ये बने हैं पंकज त्रिपाठी, अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, ये चुनाव आयोग के जो आइकन हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगर पंकज त्रिपाठी को एक और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका, कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखिएगा यही पंकज त्रिपाठी ही हैं। और बात कर लेते हैं हीरो मोटर कार्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, हीरो मोटर क्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये बने हैं रामचरण, जो RRR मूवी में हीरो हैं, ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बात करें फैन कोड जो है, ये एक प्रकार की गेमिंग प्लेटफार्म है, फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रवि शास्त्री बने हैं। अगर भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले, भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले, तो महेंद्र सिंह धोनी ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, MSD महेंद्र सिंह धोनी। एक उत्तर प्रदेश का जो एक जिला एक उत्पाद, यूपी का एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कंगना रानौत बनी है। कौन बनी है भैया, कंगना रानौत बनी है। और एक पॉइंट और, हाँ क्षय रोग जो उन्मूलन है इसके ब्रांड एम्बेसडर, क्षय रोग उन्मूलन इसके बने हैं, याद रखिएगा रवि किशन बने हैं, रवि किशन शुक्ला। क्षय रोग उन्मूलन के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि किशन शुक्ला बने हैं, ये भी पॉइंट आपको क्या करना है याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उनकी भी चर्चा यहीं लगे हाथ निपटा लें। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, अभी आपको पता होगा ये क्या नाम है, 3D पोस्ट ऑफिस। पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है, तो याद रखिएगा पहला 3D पोस्ट ऑफिस खुला है बंगलुरु में, सिटी आपका सिलिकन वैली सिटी कहा जाता है बंगलुरु को, यहाँ पे पहला 3D पोस्ट ऑफिस खुला है। अगर पहला बात हुआ है तो आइए पहला निपटा लेते हैं। तो बुलेट ट्रेन स्टेशन, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ खुला भैया, तो कहाँ बनेगा, सूरत में बनेगा। कहाँ बनेगा, सूरत में। पहला मेडिकल सिटी कहाँ बनेगा, तो पहला मेडिकल सिटी भी कहाँ बनेगा, तो ये भी आपको याद रखना है पुणे महाराष्ट्र में बनेगा पहला मेडिकल सिटी। और ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ बनेगा भैया, ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट ये भी पहला है। इथेनॉल प्लांट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा पूर्णिया बिहार में। कहाँ बनेगा भैया, पूर्णिया बिहार में बनेगा, ये भी याद रखना है। और बात करते हैं पहला आपका पक्षी एटलस किसने जारी किया है भैया, एशिया का पहला एटलस किसने जारी किया है, तो ये केरल राज्य ने जारी किया, ये भी याद रखना है। अगर आपसे बात करें वन नेशन वन एड्रेस किसने लागू किया है, वन नेशन वन एड्रेस ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो भैया इंदौर बना है वन नेशन वन चीजें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 100% सभी लोगों को ये सुविधा मिल चुकी है बीमा की, कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा सांबा जिला। और ये सांबा जिला कहाँ पे है भैया, जम्मू कश्मीर में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो, और मेहनत पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।